बार की मार के बाद अब लोगों को अब सब्जियों की महंगाई पस्त करने जा रही है। एक तरफ जहां देश के अलग अलग हिस्सों की तरह यहां भी टमाटर के भाव आसमान छू रहा है, वहीं अन्य सब्जियों के दाम में आग लगी है। सब्जी की दुकानों पर टमाटर के अलावा हरी सब्जियों के दामों में इस दौरान खासा इजाफा हुआ है। शहर की मंडियों में हर दिन सब्जियों का दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर सीधे तौर पर लोगों के बजट पर पड़ रहा है। साथ ही दुकानदारों की माने तो आने वाले 7 दिनों तक में सब्जियों के दाम ऐसे ही रहने की उम्मीद है। वही शहर में सब्जियों की महंगाई का एक बड़ा कारण गंगा यमुना की बाढ़ भी थी, जिसने सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचा दिया है। वही सब्जी मंडी के व्यापारियों कहते हैं कि गंगा यमुना किनारे हरी सब्जियों की खेती बाढ़ के पानी में डूबने के कारण स्थानीय सब्जियां बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते सब्जियों के दामों में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही कुछ दिनों तक ऐसे ही सब्जियों के दामों में इजाफा होने की उम्मीद है। बंगलौर में बहुत तेजी आ गई बारिश से, टमाटर सब खराब हो गए। अभी हाल में इस हफ्ते वहाँ बहुत भारी वर्षा हुई है, इसलिए टमाटर की तेजी आ गई। आज हमारे यहाँ टमाटर 700-800 कैरेट का एकदम जस्ट 200-300 रुपए कैरेट का दाम भाग गया। और अभी उम्मीद है कि कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन तक तेजी बनी रहेगी टमाटर में। अभी बाजार नहीं गिरेगा, बाजार में सामने जो चीज़ें डूब गई हो माल कम आ रहा है। जो ऊपरी क्षेत्र में है वो तो आ रही है, जो निचली क्षेत्र में थी वो डूब गई, वो खराब हो गई है। और इसमें किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, पूरे क्षेत्र जितना क्षेत्र डूबा है। सब सब्जियां हरी सब्जियां सब गंगा यमुना में डूब गया, इसी कारण हवा कम हो गया, इसी कारण हरी सब्जियां का रेट महंगा हो गया है। जहां 10 बिकता था वहां आज 25-30 का थोक रेट हो गया, 25 रुपये 22 रुपये। फुटकर में जो ले जाएंगे वो 40 रुपये 30 रुपये बेचेंगे। टमाटर 500-600 बिकता था, वो आज 900-1000 बिक रहा है। टमाटर महंगा, मीडिया चालू चाचा करेगा करवा।